आज हम घर के रखे हुए सामान से बहुत ही आसान सी बनने वाली सूजी की बर्फ़ी की रेसिपी बनाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, इस बर्फ़ी की रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। तो मैंने यहाँ पे 1 कप सूजी लिया है। आप कोई सी भी सूजी ले सकते हैं, बारीक वाली या पतली मोटी वाली। अगर आपके पास में ज़्यादा मोटी वाली सूजी है तो उसे आप एक बार ग्राइंडिंग जार में चला लें। इस तरह से हम इसको छान लेंगे। मेरे पास में ये बारीक वाली ही सूजी है, तो अब हम इसे छान लेंगे। तो यहाँ पे मैंने सूजी को छान लिया है अच्छे से। अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस पे। अब हम यहाँ पे गैस ऑन कर देंगे। गैस का फ्लेम हमें लो ही रखना है। लो फ्लेम पे इसे 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से कुक कर लेंगे। जब इसमें से एक अच्छी सी खुशबू आने लगे तो इसमें हम घी डाल देंगे। तो यहाँ पे मैंने 1/2 कप घी का यूज़ किया है। अब हम इसमें 1 से 2 चम्मच बेसन डाल देंगे। बेसन डालने से बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है बर्फी में। अब हम इसे लो फ्लेम पे लगातार चलाते हुए सूजी को कुक कर लेंगे यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं सूजी ने सारे ही घी को एब्जॉर्ब कर लिया है। लगातार इसे चलाते रहेंगे ताकि ये जले नहीं। तो लगभग 5 से 6 मिनट तक इसी तरह से हमें सूजी को कुक कर लेना है। 5 से 6 मिनट हो गए हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे अच्छे से ड्राई हो गई है सूजी। इससे ज़्यादा ओवर कुक हमें सूजी को नहीं करना है। इस स्टेज पे हम इसको दूसरे पैन में ट्रांसफ़र कर लेंगे या फिर इसे हम हटा के साइड में रख लेंगे। अब हम वापस से गैस पे एक दूसरा पैन चढ़ा देंगे। यहाँ पे मैंने 1.5 कप इसमें शुगर डाल दी है। इसमें हम 1 कप पानी डाल देंगे और इसकी हम चाशनी बना लेंगे। गैस का फ्लेम कर लेंगे हाई। इसे लगातार चलाते हुए 5 से 7 मिनट लग जाते हैं चाशनी में। इसे लगातार चलाते हुए इसे कुक होने देंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारी चाशनी बनने लगी है। बहुत ज़्यादा कड़क चाशनी हमें नहीं बनानी है, ऑलमोस्ट एक तार वाली चाशनी हमें इसकी बना लेनी है। तो आप देख सकते हैं इस स्टेज पे हम चाशनी को रखेंगे साइड में और यहाँ पे जो हमने सूजी ली थी, इस सूजी को हमने कुक कर लिया था, उसमें हम आधी चाशनी को डाल देंगे। एक साथ में पूरी चाशनी नहीं डालनी है, थोड़ा थोड़ा करके ही डालें चाशनी को। मिक्स कर देंगे इसको, चाशनी को सूजी में अच्छे से। और हम बची हुई चाशनी को भी डाल देंगे इसमें। अब गैस का फ्लेम अभी हमने लो ही किया हुआ है। अब हम बची हुई सारी चाशनी को डाल देंगे इसमें। तो यहाँ पे मैंने सारी ही चाशनी को डाल दिया है। अब हम गैस का फ्लेम कर लेंगे मीडियम और इसे लगातार चलाते रहेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सूजी का मिश्रण गाढ़ा होने लगा है। अब हम इसमें डाल देंगे मिल्क पाउडर। तो यहाँ पे मैंने 3 से 4 चम्मच मिल्क पाउडर का यूज़ किया है। मिला देंगे इसे, अच्छे से मिक्स कर देंगे। इसमें कोई भी लम्स नहीं रहना चाहिए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे बर्फ़ी के मिश्रण ने पैन को भी छोड़ना शुरू कर दिया है। अब मीडियम फ्लेम पे इसे 3 से 4 मिनट ही हम कुक करेंगे, ज़्यादा कुक नहीं करना है। अब हम इसमें इलायची डाल देंगे, इलायची का पाउडर। वापस से मिक्स कर देंगे। इस स्टेज पे हम गैस को कर देंगे बंद और 2 से 3 मिनट के लिए हम इसी तरह से चलाते हुए ठंडा कर लेंगे। जब आप इसमें सूजी में चाशनी डाल दें तो 3 से 4 मिनट ही आपको कुक करना है। ज़्यादा कुक करेंगे तो बर्फ़ी हमारी हार्ड बनेगी, तो इसलिए हमें 3 से 4 मिनट तक इसे कुक करना है। उसके बाद में हम गैस को बंद कर देंगे और इसे लगातार चलाते हुए इसे हम बर्फ़ी के मिश्रण को ठंडा कर देंगे। तो आप देख सकते हैं जैसे जैसे ये ठंडा हो रहा है और भी ज़्यादा गाढ़ा होता जा रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, या तो कोई एक थाली लेंगे या फिर किसी एक टिन सेट में हम घी लगा के उसे अच्छे से ग्रीस कर लेंगे। और अब हम इसमें सारा ही बर्फ़ी का मिश्रण डाल देंगे। तो आप देख सकते हैं मैंने सारे ही मिश्रण को डाल दिया है। अब हम किसी कटोरी की बैक साइड या फिर किसी स्पैटुला की हेल्प से ट्रे में चारों तरफ से बराबर बराबर इसे फैला लेंगे मिश्रण को। अब हम इसमें बारीक चॉप किए हुए पिस्ते की कतरन और बादाम की कतरन इसमें हम डाल देंगे।
बिल्कुल हलवाई स्टाइल से सजाने के लिए इसमें मैं थोड़ी सी बादाम की कतरन भी डाल दूंगी, और इस तरह से हल्के हाथ से दबाते हुए इसे हम सेट होने के लिए रख देंगे। 2 से 3 घंटे के लिए इसे आप रूम टेम्परेचर पर रख दें। अगर आपको जल्दी ही सर्व करना है तो फिर इसे 1 घंटे के लिए आप फ्रिज में रख दें। तो यहाँ पे 2 से 3 घंटे हो गए हैं। अब मैं यहाँ पे बर्फ़ी को कट कर लूँगी। आप अपनी पसंद के अकॉर्डिंग छोटे या बड़े पीसेस जिस भी शेप में आप काटना चाहें उसी शेप में आप इसे काट सकते हैं। तो ये लीजिए, यहाँ पे हमारी सुपर टेस्टी बर्फ़ी बन करके तैयार है। आने वाले त्योहारों पे इसे आप एक बार ज़रूर ट्राई करें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपनी फ्रेंड्स और फैमिली के साथ में शेयर करें। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।